rather be in here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. If I could everybody, welcome back to my channel. This is Bukka Dizzle, back again with another video. Well, आज हम सुबह सुबह निकल पड़े थे, लाइक 6 बजे हम लोग हमारे होटल से निकल पड़े और अभी आप देख सकते हो सूरज देवता ऊपर आ चुके हैं, बट यहाँ पे फॉग ज़्यादा है इसलिए आपको दिखेगा नहीं कहीं पे. Well, हम आए हैं एलिफेंट्स देखने के लिए, लेकिन डाउट है कि यहाँ पे दिखेंगे या नहीं. अन्नाकुलम में हम लोग अभी आए हैं और यहाँ से आते आते जो व्यूज़ थे वो काफ़ी कमाल के थे. वेल, अभी ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, हमें यहाँ आते आते 1 घंटा लगा है और यहाँ पे आजू बाजू हम लोगों से पूछ रहे हैं कि एलिफेंट्स कभी आएंगे, कभी लास्ट टाइम आए थे. तो यहाँ पे एक होटल है, कहाँ पे गा? ये तो यहाँ पे जो थे उन्होंने दिखाया कि उन्होंने एलिफेंट देखा था परसों ही, लाइक सुबह सुबह 7 बजे. वाओ, वो वीडियो काफ़ी सुंदर था, बट पता नहीं आज दिखेगा या नहीं. अगर दिखा तो वाओ, अगर नहीं दिखा तो और कुछ यहाँ पे बर्ड्स भी है, छोटे छोटे एनिमल्स भी है, तो हम लोग वो देखते हैं. लेट्स गो. परसों यहाँ के जो रेस्टोरेंट वाले हैं उन्होंने वहाँ से यहाँ एलिफेंट को आते हुए देखा था और उन्होंने वो शूट किया था वीडियो, जो बहुत सुंदर दिख रहा था. आई होप कि आज दिखे, बट चांसेस कम है बिकॉज बहुत शोर है यहाँ पे, लोग हैं यहाँ पे, तो मे बी नहीं आ पाएंगे, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. और यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि मोस्टली इवनिंग को ही जो एनिमल्स है वो यहाँ पे पानी पीने के लिए आते हैं. हमें दिखा बस एक बंदर जिसका वीडियो भी नहीं निकल पाए हम. और अभी सूरज देवता जो है वो ऊपर आ चुके हैं और अभी बज रहे हैं 8. तो हमने कुछ बर्ड्स देखे, वैसे मज़ा आया, इतना शांत आया यहाँ पे, पानी था यहाँ पे, बर्ड्स की आवाज़ और ये इतना अच्छा माहौल, ऐसा सुबह सुबह यहाँ पे आना, विच इज़ रियली गुड. अभी हम चलते हैं होटल के पास, हमारे होटल में, और वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं. उसके बाद हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं और हम जाने वाले हैं एर्नाकुलम के लिए, क्योंकि आज का हमारा बुकिंग वहाँ पे है. तो देर नहीं करते हैं ज़रा सी भी, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं. एर्नाकुलम आने के लिए इतने गंदे रास्ते हैं ना, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया यहाँ पे. मे बी कल बारिश गिरा था इसीलिए होगा, बट यार बहुत ही गंदा रास्ता है. बीच बीच में हम लोग उतर उतर के ओ गॉड ऐसा कुछ हो रहा था. ऐसे कुछ रास्तों से हम गुजरे हैं. बहुत ही ज्यादा गंदा रास्ता है ये. ओ गॉड, एक बारी तो फिसलते फिसलते हम लोग रह गए. ऐसे कुछ रास्ते थे और आगे भी बहुत सारे ऐसे. बाय द वे, लुक एट द व्यू, सो गुड. बाय द वे, अगर आप मुन्नार घूमने आ रहे हो तो कम से कम ना 4 दिन का आप
ट्रिप अपना कर लीजिए, बिकॉज इतना कुछ है यहाँ पे घूमने के लिए, दो दिन में तो पॉसिबल नहीं होगा। और वाइल्ड लाइफ के लिए एटलीस्ट दो दिन तो आप दे ही दो, बिकॉज एलिफेंट गाइस कितना अच्छा व्यू आता अगर आज हमें एलिफेंट दिख जाते तो। आप ज़रूर देना दो दिन एटलीस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए, और दो दिन यहाँ वहाँ घूमने के लिए और शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग करोगे तो चॉकलेट से आके ज़रूर ट्राई करना। इट्स 11 AM और अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं मुन्नार से। ये था हमारा होटल। आई नो मैंने आपको होटल दिखाया नहीं अच्छे से, और दिखाया ही नहीं, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गई। इतना सब कुछ होता है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं होटल दिखाना ही भूल जाती हूँ। पर होटल का देखना यार, जाओ पीछे हमारा बोट हाउस का वीडियो जो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और पसंद आइए तो शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो वी आर ऑल सेट टू गो, अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी। अभी मुन्नार में तो ठंड था, अभी जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इस केरला का जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा, और उतना हमको गर्मी झेलना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो चलो लेट्स गो। अभी रुके हम पेट्रोल भरने के लिए यहाँ पे, और अभी कुछ और घंटे बाकी है एर्नाकुलम पहुँचने के लिए। बीच में हम कहीं पे रुकेंगे लंच के लिए, तो देखते हैं कहीं पे अच्छा होटल मिलेगा तो हम रुक जाएंगे वहीं पे। कोची के रास्ते में दो घंटे से पहले हमें यहाँ एक होटल मिला है, होटल मलयालीज करके, तो हम आज वहाँ हमारा लंच करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ का मेनू क्या है। The food was good, but हमें ज़्यादा चिकन बिरयानी पसंद आई। हम लोग फिर से निकल पड़े हैं हमारे जर्नी पे, तो एंजॉय कीजिए हमारे साथ। और आई होप आपको आवाज आ रही होगी।
कोची से दो घंटे की दो घंटे से नहीं